और अब जो बात है कि आप जानते हैं कई चीज़ों पर जो हम लोगों ने प्रतिबंध पहले से लगाया था, तो अब उसको देखते हुए अब जो आप निर्णय हो गया है कि जो पाबंदियों के बारे में कि स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान जो 18 अप्रैल तक मैंने आज के दिन तक जो तय किया गया था पहले, अब उसको बढ़ा करके 15 मई तक बंद रखा जाएगा। ये हम लोगों ने तय कर लिया कि जिस तरह से जितनी स्थिति बढ़ती चली जा रही है तो अब इसको 15 मई तक बंद रहेगा। और इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय और विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी। तो इस तरह से ये कर दिया गया 15 मई तक का। फिर सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा, उसमें लोगों का आना जाना नहीं हो, ये सब बात अब यह तय कर दिया गया है। और इसको अभी हम लोगों ने बंद करने का जो निर्णय लिया ये सब 15 मई तक के लिए अभी का फैसला है। और उसके बाद जो हमारे जो सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय हैं, अब उसके बारे में भी आज निर्णय लिया गया है कि इसको 5 बजे तक रखा जाएगा, 5 बजे बंद। और आप जानते हैं 1/3 33% लोगों को ही एक दिन में काम करने के लिए कहा गया है, नहीं जैसे हेल्थ वगैरह को छोड़ करके उन सब चीज़ों का नहीं, जो एसेंशियल सर्विस है जो उसकी बात हम नहीं कर रहे, बाकी जितनी सेवाएं उसके लिए जो किया गया था तो अब उसको कर दिया गया घटा करके, जो 6 बजे तक का उसको घटा करके 5 बजे तक का कर दिया गया है कि बिल्कुल उसको 5 बजे तक ही बंद कर दिया जाएगा। और प्रतिदिन रात्रि में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पूरे बिहार में हर जगह पर नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, शाम रात में 9 बजे से लेकर के सुबह के 5 बजे तक, यह एक निर्णय हो गया है। और सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम जो 7 बजे तक रखे थे खुला उन लोगों को, अब 7 बजे के बजाय 1 घंटा कम करके 6 बजे तक उसको अब खुला रहेगा, 6 बजे के बाद वो खुला नहीं रहेगा। यानी सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी दुकानें, मंडी तथा मांस एवं मछली की दुकानें अब शाम 6 बजे तक, 6 बजे बंद हो जाएगी, 6 बजे तक ही खुला रहेगा। और सवेरे से जब से खोलना है खोलें, यह नहीं है कि सुबह कब से खोलना है, जब से भी खोलना हो लेकिन उनको 6 बजे तक ही रखना है, 6 बजे वो बंद हो जाएगा। और इसके बाद जो रेस्टोरेंट है, ढाबा है, भोजनालय में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा इन सब जगहों पर, लेकिन होम डिलीवरी एवं टेक अवे सर्विस का संचालन 9 बजे रात्रि तक होगा। 9 बजे रात तक वो सब लोगों के यहाँ पहुँचाना हो, कोई वहाँ से ले जाना हो, लेकिन वहाँ बैठ करके खाना नहीं, ये एक बात हो गई है साफ साफ कि उनको घर तक पहुँचाना हो पहुँचाएँ, ले जाना हो ले जाएँ 9 बजे रात तक। अब जो जितने भी सभी धार्मिक स्थान जो थे वो जो 30 अप्रैल तक बंद थे, जो हम लोगों ने पहले तय किया था इसके मामले, इनके मामले में सभी प्रकार के सब धर्मों के सब स्थलों को जो किया गया था 30 अप्रैल तक, उसको अब बढ़ा करके 15 मई 2021 तक बंद रखने का ही फैसला किया गया। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर, सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी, लेकिन जो दफन है या दाह संस्कार या पूजा है उस पर ये लागू नहीं है। वो तो स्वाभाविक चीज़ है कि दफन हो, दाह संस्कार हो, विवाह हो, श्राद्ध हो, तो इन सब चीज़ों के लिए तो सब लोगों को करना उनकी एक जिम्मेवारी होती है, उसको छोड़ करके बाकी जितने सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर सरकारी एवं निजी पर रोक रहेगी। अब जो कुछ भी पहले हम लोगों ने दफन, दाह संस्कार, शादी विवाह ये सब सब के लिए जो किया गया था और श्राद्ध के कार्यक्रम के लिए, तो उसमें जो हम लोगों ने किया हुआ था पहले कि जो भी करेंगे दफन और दाह संस्कार के लिए 50 का किया गया था पहले, अब उसको घटा करके 25, दफन और दाह संस्कार में 25 से ज़्यादा मत करिए। और फिर जो शादी और श्राद्ध का कार्यक्रम था उसके लिए 200 व्यक्तियों का किया गया था, अब उसको घटा करके आज निर्णय लिया गया कि 100 व्यक्ति से आगे मत बढ़ाइएगा, कि जितना तेजी से फैल रहा है और किन्हीं को कुछ मालूम नहीं है इसका बहुत नुकसान होगा, इसलिए इन दोनों के बारे में यह भी निर्णय लिया गया है। और इसके बाद
दिन के समय भीड़ भाड़ भरे इलाके एवं सब्जी मंडी में भीड़ में कमी करने के लिए जिला पदाधिकारी बाजार एवं सब्जी मंडियों को सिलसिलेवार ढंग से स्टैगर्ड मैनर नए स्थलों पर खोलने की व्यवस्था करें। वहां पर नहीं जहां है बहुत भीड़ भाड़ होती है, अलग जगह पर उनको सुनिश्चित कराएंगे कि आप यहां पर खोलिए, यहां पर रहिए। एक ये भी व्यवस्था करने का किया गया और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार नगर क्षेत्रों एवं प्रखंड मुख्यालयों में धारा 144 का प्रयोग कर अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने होते नियमानुसार वो कार्रवाई करें। यानी एकदम बिल्कुल 144 लागू करने के लिए हर जिला प्रशासन को अधिकार दे दिया गया है कि आवश्यकतानुसार जहां कहीं भी हो वो अपना 144 की धारा लगाएंगे, ये भी निर्णय ले लिया गया। तो एक जो अभी के बारे में जो निर्णय हो गया है जिसकी जानकारी हम लोगों ने दे दी है, और ये सब जो है जितने प्रतिबंध लगाए गए हैं इसके अलावे जैसे आवश्यक सेवाओं पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं, फायर, पुलिस, एम्बुलेंस आदि पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं, छूट रहेगी। और ई कॉमर्स की गतिविधियाँ एवं उससे संबंधित प्रतिष्ठान भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतर जिला एवं अंतर्राज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगा, यानी परिवहन के बारे में जो कहा। और निर्माण कार्यों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर भी किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा, लेकिन बाकी सब चीज़ों के बारे में बता दिया गया है, कार्यालय के बारे में, दुकान के बारे में, किन किन चीज़ों को प्रतिबंधित करना है, किस चीज़ों को खुला रखना है, कितने बजे तक चलेगा कार्यालय, कितने बजे तक चलेंगे, और रात में 9 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक का जो कि ये इंतजाम कर दिया गया है कि नाइट कर्फ्यू के बारे में, तो वो भी पूरे तौर पर सब जगह के लिए लागू करने का निर्णय ले लिया गया है। तो हम लोगों ने अभी ये किया है, और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि हम लोगों ने इसके लिए इतनी विस्तृत रूप से आज चर्चा की है, और सब लोगों का जो सुझाव कल भी आया सबको देखते हुए सब लोगों को ही सुझाव दिया है। प्रतिदिन एक एक चीज पर सक्रिय रहेंगे और उसको देखते हुए आगे भी इसके बारे में जो कुछ भी करना होगा फिर उसके बारे में करेंगे। आज जितनी बातें हुई हैं आज उसके बारे में यह सब निर्णय लिया गया है। लेकिन मैं पुनः दोहरा कर इस बात का कह देता हूँ कि लोगों के जाँच के लिए, जो वैक्सीनेशन के लिए, इलाज के लिए, ये पूरे तौर पर अधिक से अधिक और किसी भी प्रकार का दवा का या ऑक्सीजन का कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए सब तरह के प्रबंध का, इसके लिए जो कुछ भी करना है किया जाएगा। बाहर से भी आएंगे, उनको काम देने के लिए भी जो करना पड़ेगा हम लोग उसमें मदद करेंगे। हर तरह से जो हमारे जितने चिकित्सक हैं और चिकित्सा सेवी जितने सब लोग हैं, चिकित्सा जुड़े हुए सब लोग, उनको जैसा पहले कह दिया गया है हम लोग 1 महीने का और अतिरिक्त उनको तनख्वाह हम लोग देंगे, ये सब निर्णय ले लिया है। लेकिन एक एक चीज पर निरंतर नज़र रखी जाएगी हर प्रकार से, और अस्पतालों की संख्या बढ़ाना, बेड्स की संख्या बढ़ाना, ये सब के लिए पूरा का पूरी बातचीत की गई है, ताकि जिस तरह से इस बार का दृश्य है हम लोगों को पूरा का पूरा हर तरह का प्रतिबंध करना होगा, ये भी आज पूरे तौर पर बातचीत हो गई। तो यही है मुख्य रूप से।